वो कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है जो आप तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को मगर आश्वस्त होकर सोचता शोड़ित बहा लेकिन कई बचना सारे देश की Thank you.
नाम क्या है तुम्हारा? अजय राजपूत। मेरा नाम अहमद है, अहमद शेख। तुम ज्यादा नहीं बोलते या दुश्मन से बात नहीं करते? शादी भी तुम्हारी या कोई गर्लफ्रेंड?
तुम्हारे घर में कौन कौन है? हुस्न मेरी बेटी और मेरी बेगम आशमा। तुम्हारे यहां कौन कौन है? मेरी मां और मेरी बहन अनीता। पिताजी 1971 के युद्ध में शहीद हुए थे, तब मैं बहुत छोटा था। जब मैं छोटा था तो इस नजारे के बारे में कुछ और ही महसूस करता था। सिपाही की शहादत थी उसका इनाम। जंग में सिपाही की या तो जीत होती है या मौत। मौत आपको बहुत कुछ सोचने का मौका देती है। धीरे धीरे करीब आती हुई मौत, मैं 2 घंटे से यहां पड़ा हूं अपने बेजान पैरों के साथ, जो मेरे शरीर का बोझ उठाने के लायक भी नहीं रहे। मैं जब घर से निकला था तो दुश्मन के खून का प्यासा था, लेकिन अब आसपास इतना सारा खून बिखरा पड़ा है कि समझ में नहीं आ रहा इसमें दुश्मन का कौन सा है और मेरा अपना कौन सा। ये बात जंग के मैदान में ही समझी जा सकती है कि प्यास पानी बुझा सकता है, खून नहीं। क्या प्लान था इस अटैक के बाद तुम लोगों का? सच्चे सिपाही हो तुमको खुद नहीं पता कि कितनी देर और जिंदा रहो, फिर भी तुमको पता है क्या, जंग का एक उसूल होता है कि प्यादा लौट के घर नहीं जा सकता। वजीर का यह हक होता है कि वो जहां जाना चाहे जाए। हमारे पीछे कोई टुकड़ी नहीं है और हम जहां पर हैं वहां कोई मदद भी नहीं आने वाली। वैसे भी मैं अब कहीं नहीं जा सकता। बहुत खून बह गया है तुम्हारा भी। इस हालत में तो हम लोग बस कुछ देर और जिंदा रह सकते हैं। मेरे सारे साथी मारे गए हैं और अब तो कोई दुश्मन भी नहीं है सिवाय हम दोनों के। हम दोनों मौत के सिरहाने बैठे हैं। तुम यहां से चल के नहीं जा सकते और मैं भी ज्यादा दूर नहीं जा पाऊंगा, लेकिन एक दुश्मन को छोड़ के आगे नहीं बढ़ूंगा। मेरे हाथ अभी सलामत है, जाने तो मैं तुमको भी नहीं दूंगा। अजय साहब, आपको पता है मुझे मरने से डर नहीं लगता और ना कभी लगा, पर जो कुछ पीछे छूट रहा है उसका दर्द मौत के डर से कहीं ज्यादा है।
आपको मोहब्बत हुई है? हाँ हुई है। शादी की अभी या अगले महीने होने वाली है? मेरे पैरों से बहुत खून बह चुका है, मैं चाहूं तो भी कहीं नहीं जा सकता। इतनी देर से मौत के दरवाजे पे बैठा हूं अकेला, फिर तुम्हारे आने के बाद अब वो डर भी नहीं रहा। लेकिन जो भी मुझसे जुदा हो रहा है उसका डर है मुझे। तुमको नहीं है? डर तो लग रहा है उन कहानियों के अधूरे रह जाने का डर लग रहा है जो मेरे भरोसे पूरी होने को बैठी है। तुम्हारे हिंदुस्तान में क्या मशहूर है? जो तुम्हारे पाकिस्तान में मशहूर है। ऐसा क्या है जो हमारे पाकिस्तान में भी मशहूर है? गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। उसको तो हम नहीं मिटा सकते, वरना हम यहां ऐसे कैसे मिलते? अरे अहमद मियां, आप लोग भी कहां चैन लेने देते हैं, कभी इधर बम फोड़ते हैं तो कभी उधर गोलीबारी करते हैं। आपको पता है अगर मैं सिपाही नहीं होता तो शायर होता, पर क्या करूं, बारूद कलम से महंगा बिकता है, ये बात यहीं आकर पता चली। आपका मुल्क तो बहुत बड़ा है, आप क्यों नहीं सुधरते? सारे जमा से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारा जहां है हमारे हिंदुस्तान में, इतने धर्म, इतने लोग, इतनी भाषाएं, हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, सुधरेंगे, जरूर सुधरेंगे, लेकिन तब जब कोई बाहर वाला आके फिर से हमें गुलाम बना लेगा तब सुधरेंगे, तब तक आप और हम यूं ही लड़ते रहेंगे मजे से, और देश तो देशभक्ति कर रहा है फेसबुक पे। ये झगड़े कारोबार का ही हिस्सा है, पूरी दुनिया को इस कारोबार से बहुत फायदा है, हम लड़ते नहीं तो क्या करते? अमन के कारोबार में किसका फायदा? फूल बारूद से सस्ते जो बिकते हैं, ये बिजनेसेस, मीडिया, पॉलिटिक्स, हम इन सब का कारोबार ही तो हैं, वरना बम तो हमारे यहां भी फटते हैं, स्कूल में बच्चे हमारे यहां भी मारे जाते हैं। जिस जमीन पे बच्चे गोलियों से भूने जाने लगे उस जमीन को खुदा भी छोड़ जाता है, पर फिर भी मैं अपने वतन से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। देशभक्त तो मैं भी हूं अहमद मियां, कुछ देर में रात होने वाली है, जंगली जानवर हमें नोच नोच के खा जाएंगे।
और हम में इतनी ताकत नहीं कि खुद को बचा सके। अब तो कोई मदद भी आने से रही, रात भर में हमारे शरीर का सारा खून बह जाएगा और हम रात भर इस दर्द को झेलते हुए सुबह तक तड़प तड़प कर मर जाएंगे। अहमद मियां, लगता है आपकी कही बात को सच करने का वक्त आ गया है। कौन सी बात? यही कि सिपाही की शहादत ही उसका इनाम है। बात तो आपने एकदम वाजिब कही। वाह, इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा। मेरे ख्याल से अब हमें उस पार चलना चाहिए। बस वहां आपका खुदा और मेरा भगवान कोई लकीर खींच के ना बैठा हो। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मरते मरते सोचेंगे क्यों लड़े। खुदा हाफिज। Thank you.